यो आकाशवाणी जम्मू जावेद चौधरी ते खबर सुनो। जम्मू कश्मीर में पिछला 24 घंटे के दौरान 51 अफराद की मौत जबकि 3733 कोविड-19 मामला बंद है आने की रिपोर्ट है। कौमी सतह पर सेहतियाबी की 100% 81.91 है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है जे यूटी में इंफरादी तौर या निजी हस्पताल ना ऑक्सीजन सप्लाई करने पर काय पाबंदी नहीं है। कोविड बीमारी ना फैलन ते रोकने की खातर जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू जारी है ते इस सिलसिले में लाजमी खिदमत ना छूट दी गई है। वज़ीर आज़म ने अपना बरतानिया का हमनसब बोरिस जॉनसन नाल अज मजाजी इजलास मुनक़द करेगा ते इलाकाई मसाइल ते कोविड-19 के खिलाफ लड़न वास्ते तवज्जो मरकूज की जाएगी। खबरें की तफसील नाल पहला मोहम्मद अमीन अंजुम। जम्मू कश्मीर में पिछला 24 घंटों के दौरान कोविड की वजह नाल 51 अफराद की मौत हो गई जबकि इसी वक्त में 3733 सजना मामला बंद आने की रिपोर्ट है। इन ताज़ा मामलों में 2439 मामला कश्मीर खिते नाल जबकि 1294 मामला जम्मू खिते नाल तालुक रखे। जम्मू कश्मीर में इस वेले मुतरक मामलों की तादाद 34567 है। जम्मू कश्मीर में सेहतियाबी की 100% 80.24 चल रही है। कौमी सतह पर पिछला 24 घंटों के दौरान 3,57,229 ताज़ा मामला दर्ज किया गया जबकि इसी वक्त में 3,449 मरीज वफात भी पा गया। काबिले जिक्र है जी मुल्क में कोविड-19 मामलों की कुल तादाद 2,02,82,833 तक पुज गई ते कौमी सतह की सेहतियाबी वाली 81.91 चल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है जी इत निजी अस्पतालों और इनफरादी तौर लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई करने पर कोई पाबंदी नहीं है। जरूरतमंदों ने ऑक्सीजन की सहूलत यकीनी बनाने वास्ते सरकार ने फैसला लियो है जे लोड़ पैण की सूरत में इन्होंने दोबारा भरिया वा ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। काबिले जिक्र है जी मजकूरा सहूलत हासिल करने वास्ते डॉक्टर की तरफों नुस्खो डायरैक्टर बराए सनत जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कोविड कंट्रोल रूम कश्मीर ना पजानो वैगो। मुल्क में तीजा मरहला की कोविड टीकाकारी चल रही है ते हुण तोड़ी 15,99,32,921 अफराद ना टीका लाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में हुण तोड़ी तकरीबन 25,00,000 कोविड खुराक दी जा चुकी है। इस सिलसिले में 20,57,947 अफराद ना पहली खुराक दी गई जबकि 4,76,000 अफराद ना दूजी खुराक दी गई है। इं कोविड-19 टीकाकारी वास्ते 1,561 थार मुकर की गई है जिनमें 1,545 जगह सरकारी जबकि 16 थार निजी दसी गई है। टीकाकारी का सिलसिला में 18-44 बरह का शहरी कोविड टीकाकारी प्रोग्राम वास्ते अपना अंदराज करा सकें ते इस तरह cowin.gov.in या फिर आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल किया जा सके। कोविड मामलों में वाधा विचकार जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू जारी है ताकि बीमारी ना फैलन ते रोकियो जा सके। इस दौरान गली वीरान नजर आ रही थी हालांकि सब्जी ते फल और दूध की दुकान रहनमा खतूत के तहत खुली नजर आई। इस सिलसिले में खान पीन की चीजा दूध डेयरी मसनुआत फल ते सब्जी मंडी बेकरी और गोश्त की दुकाना ना सवेर 10 बजे ते शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाजत दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूजी लाजमी खिदमत ना भी जारी रखने की इजाजत है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर का तमाम 20 जिला में हफ्ता का आखिर में रात वेले लगन वाला तालाबंदी के दौरान मुकम्मल तौर पर रात को कर्फ्यू लगो रहेगो। यो कर्फ्यू शहरी इलाकों की हदूद में हर जुम्मे के रोज शाम 7 बजे ते हर सवेर सोमवार 7 बजे तक लगो रहेगो। जम्मू कश्मीर सरकार ने साबका रियासत जम्मू कश्मीर का साबक गवर्नर ते बीजेपी का सीनियर लीडर जगमोहन मल्होत्रा की मौत पर 3 रोजा मातम को ऐलान किया है। वे कल 94 बरह की उम्र में इंतकाल कर गया। इस मातमी अरसा के दौरान कौमी चंडो अदो मस्तूल रह गो। इस मातमी वक्त के दौरान कोई भी सरकारी तफरीह तकरीब मुनक्कद नहीं वेगी। यो आकाशवाणी जम्मू है मजीद खबरां नाल जावेद चौधरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपना बरतानिया का हम मनसब नाल एक मजाजी कॉन्फ्रेंस को इनकार करेगा। इस दौरान आपसी मफाद का सिलसिला में इलाकाई ते आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करने नाल नाल दोए लीडर कोविड-19 तावन और इस वबा के खिलाफ लड़न वास्ते आलमी कोशिशां दर तबादला ख्याल करेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वसी नक्शाकार 2030 को आगाज कियो जाएगो जिसकी मदद नाल भारत ते बरतानिया बिशकार तालमेल डूंगो वैगो। जिन कुलीदी इलाकों वास्ते यो नक्शाकार कियो जाएगो उनमां लोकां का लोकां नाल तालुकात तजारत खुशहाली दिफा और सलामती माहौलियात बारे कार्रवाई और तिबी देखभाल शामिल हैं। जिला रियासी में तिबी ऑक्सीजन कारखानों सुपुर्द किया गया है।
यो कारखानो 1000 PM LPM की सलाहियत रखे ते इस कारखाना की मदद नाल जिला हस्पताल रियासी का 100 बिस्तर की जरूरत पूरी वेगी, जिनमा COVID-19 वास्ते मखसूस किया गया 25 बेड भी शामिल हैं। इस कदम नाल तिबी ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने वास्ते जिलो रियासी खुद कफील हो जाएगो। इससे पहले रियासी जिला ना ऑक्सीजन की सप्लाई जम्मू ते की जाए थी। इस सिलसिला में ऑल इंडिया रेडियो नाल गल करता मां चीफ मेडिकल अफसर रियासी ने इस तरह कहो। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, अभी तो 5 दिन से टेस्ट चल रही है, किसी किसी बेड्स पर ऑक्सीजन जाएगी और प्योरिटी पर हम ध्यान रख रहे हैं, कितनी प्योरिटी है इसमें, तो प्योरिटी के पैमाने पर तो खरा उतर रहा है। अभी तक 93% से हमें प्योरिटी चाहिए होती इस प्लांट से, तो वो है कि अपनी कैपेसिटी तो है 200 बेड्स को सप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे पास ये सिर्फ 100 बेडेड हॉस्पिटल है और 40 कोविड के बेड्स हैं, तो उन पर तो ऑक्सीजन जाएगी। चल रही कोविड वबा बिशकार रामबन में हंगामी सूरत हाल को मुकाबलो करने वास्ते कम्युनिटी सेहत मरकज बटोत ने एक 10 बिस्तरी कोविड आइसोलेशन वार्ड कायम की है। इस वार्ड वास्ते वाफर मकदार में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मुहैया कराया गया है। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू नाल गल करता वहां BMO बटोत ने इस तरह कहो। हमारे बटोत हॉस्पिटल में भी 10 बेडिंग वार्ड तैयार किए, जिसमें 3 वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हमारे पास यहाँ पे हैं, सामने पावर बैकअप का भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है हमारे यहाँ पे, बड़े सिलेंडर भी छोटे सिलेंडर भी हैं, हमारी अपनी तरफ से प्रिपेयर्डनेस। डोडा में महकमा सेहत ने जिला परगा अंदर टीकाकारी बारे एक वसी मुहिम शुरू की है। इस जमन में कोई 31 मरकज कायम किया गया है, ताजे 45 बरा ते मती उम्र का लोगों ना टीका लाया जा सके। इस सिलसिला में उन शहरी इलाका दर खास ध्यान दिते जा रहे हुए जित देही इलाका का मुकाबला में मुस्बत मामला की 80% मती है। जिला में 285 मुतरक मामला चल रहा है। ऑल इंडिया रेडियो नाल गल करता मां CMO डोडा ने इस तरह कहो। टेस्टिंग को एक्सटेंसिव फेज पे कर दिया है और जो टोटल केसेस हमारे अब तक डिटेक्ट हुए हैं, लास्ट ईयर से टू डेट हमारे जो केसेस डिटेक्ट हुए वो 3,882 केसेस हमारे हुए हैं और इसमें से इस वक्त हमारे पास 285 एक्टिव केसेस हैं और जो डेथ हुई है लास्ट ईयर टिल 3 मई तक 69 डेथ हुई है और हमारी रिकवरी जो हुई है 3,528, तो हमारा रिकवरी रेट 97% रिकवरी रेट चल रहा है। इस वक्त टोटल बूथ हमारे पास 19 सेंटर्स थे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स और हमने एक्सटेंड किया, हमारे इस वक्त कम से कम 31 सेंटर जो है हमारी वैक्सीनेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। जिला डोडा में पेश आया एक सड़क हादसा में एक तिबी कारकुन हिलाक जद के दूजा जख्मी हो गया है। मुतवफी की शनाख्त लासा शेख के तौर की गई है, जेड़ा जे महकमा सेहत में काम करत हो। इस सिलसिला में जख्मी अफराद ना इलाज की खातर GMC डोडा मुंतकिल की हो गया है। टेस्ट बारे कौमी एजेंसी ने JEE मेन का सिलसिला में मुनक्कद होने वाला इम्तहान मोखर कर दिता है। इससे पहला ये इम्तहान मई महीना की 24, 25, 26, 27, 28 तारीख न मुनक्कद होने तय पाया गया था। इस सिलसिला में फैसलो मुल्क के अंदर बढ़ता कोरोना मामला ना मद्देनजर रखता मा लियो गया है। तालिब इल्मा ने सलाह दी गई है जे वे मजीद तारीख वास्ते सरकारी वेबसाइट NTA पर जाता रहे। COVID-19 वबा ते पैदाशुदा सूरत हाल के मद्देनजर सरकार ने बख बख आमदनी टैक्स बारे तामील करने की खातर वक्त में तोसी की है। इस सिलसिला में उन माली साल 2019-20 वास्ते तरमीम शुदा रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मई तक कर दी गई है। ते आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान 51 अफराद की मौत जबकि 3,733 COVID-19 मामला बंद आने की रिपोर्ट है। कौमी सतह पर सेहतियाबी की 80% 81.91 है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा जी यूटी में इनफरादी तौर या निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन सप्लाई करने पर कोई पाबंदी नहीं है। कोविड बीमारी ना फैलने से रोकने की खातर जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू जारी है, सिलसिला में लाजिम खिदमात ना छूट दी गई है और वजीर आजम अपना बरतानिया का हमसब बोरिस जॉनसन नाल आज मजाजी इजलास मुनक्कद करेगा ते इलाकाई मसाइल और COVID-19 के खिलाफ लड़ने वास्ते तवज्जो मरकूज करेगा। इसके नाल ही गोजरी में खबरों को यू बुलेटिन खत्म हुआ।